Good morning, students. I'm Rajendra Kumar Rinala from St. Francis High School, your English teacher. I'm going to teach class 2, lesson 8. The story is The Stone Soup. Once there was a cunning woman. She lived in a small house. She had everything. But she was mean and she had no friends. एक बार एक धूर्त महिला रहा करती थी. एक धूर्त महिला थी. वह एक छोटे से घर में रहा करती थी. उसके पास सब कुछ था लेकिन वह बहुत ही कमीनी थी. एंड सी हैड नो फ्रेंड्स. और उसके कोई दोस्त भी नहीं थे. बहुत ही कमीनी यानी स्वार्थी थी. वन डे एंड ओल्ड मैन केम टू हर हाउस. He said, "Please give me something to eat. I'm very hungry." एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके घर आया. उसने कहा, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दो. मुझे बहुत भूख लगी है. मैं बहुत भूखा हूँ. उस आदमी ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ. मुझे कुछ खाने के लिए दो. Food, said the woman. I have only a slice of bread. उस आदमी ने कहा, भोजन मेरे पास तो रोटी का एक टुकड़ा है केवल. वेरी गुड सेड द मैन एंड ही केम इन टू हाउस. द वोमेन गेव हिम ए स्लाइस ऑफ ब्रेड. तब उस आदमी ने कहा है ना, वो आदमी घर में आया और कहा बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा कह करके वो घर में आ गया. और उस औरत ने उसे रोटी का टुकड़ा यानी ब्रेड यानी पाव रोटी का टुकड़ा उसे खाने के लिए दिया. थैंक यू सेड द मैन एंड एट ए स्मॉल पीस. तो थैंक यू का और उस आदमी ने उसे धन्यवाद दिया और रोटी एक छोटा सा टुकड़ा खाया. ब्रेड इज नाइस विथ ए सूप. ब्रेड अगर चटनी के साथ अच्छा रहता है. ब्रेड चटनी के साथ अच्छा रहता है. डू हैव एनी सूप इन द किचन. क्या आपके पास रसोई घर में कोई चटनी है. उस आदमी ने पूछा कि क्या आपके पास रसोई घर में चटनी है. आई हैव नो सूप सेड द मैन. उस आदमी ने सेड द वूमेन. तो औरत ने कहा मेरे पास कोई चटनी वटनी नहीं है. देन आई विल मेक सम स्टोन सूप सेड द मैन. तब आदमी ने कहा कि मैं स्टोन सूप बनाऊंगा. स्टोन सूप सेड द वूमेन. द वूमेन सरप्राइज्ड एंड सेड स्टोन सूप. पत्थर का चटनी. कैन यू मेक सूप विथ ए स्टोन. क्या तुम पत्थर के साथ चटनी बना सकते हो. यस सेड द मैन. तो उस आदमी ने कहा हाँ. वी शैल वेल मेक सम स्टोन सूप. कुड यू गेट मी अ स्टोन. तो उसने कहा हाँ. आदमी ने कहा कि हाँ मैं स्टोन सूप बनाऊंगा. क्या आप एक पत्थर का टुकड़ा ला सकती हैं. द मैन ब्राउट द वोमेन ब्राउट ए स्टोन एंड हैंडेड ओवर इट टू द मैन. वह औरत एक पत्थर लाई और उस आदमी को थमा दी. द मैन वॉश्ड इट एंड पुट इट इन टू ए पॉट ऑफ हॉट वाटर. आदमी इसे धोया यानी पत्थर को धोया और इसे गर्म पानी में डाल दिया. It tasted the water. उसने पानी को चखा. This is a good soup. He said. उसने कहा यह एक अच्छा चटनी है. Are there any potatoes in the house? क्या घर में कोई आलू है. The woman cut two potatoes and put the pieces in the soup. वह औरत दो आलू ले आई और सूप के में टुकड़े करके डाल दी. पुट द पीसेज इन द सूप यानी आलू के टुकड़े को उस चटनी में डाल दी. द मैन टेस्टेड द सूप अगेन. आदमी ने फिर से उसे चखा यानी चटनी को चखा. वेरी नाइस ही सेड. उसने कहा बहुत अच्छा है. आर देयर एनी ऑनियंस इन दैट बास्केट. क्या उस डालिए में कोई प्याज है. द वूमन ओपन द बास्केट एंड टुक आउट सम ऑनियंस. औरत जो है बास्केट यानी डालिए को खोली है ना, छोटे से टुकड़े को खोली और उसमें से
कुछ प्याजें निकाली, she cut them up and put them in the soup, वह उन सबों को काट डाली और उस चटनी में डाल दी। गुड, नाउ द सूप विल हैव अ नाइस टेस्ट, सेड द मैन, तब उस आदमी ने कहा अच्छा अब चटनी और बढ़िया स्वाद का है, अब चटनी और बढ़िया स्वाद का बनेगा क्योंकि प्याज ही मिल गया नहीं। हे स्माइल एट द वोमेन, इज देयर एनी चिकन पीस, वह उस औरत पर मुस्कुराया और कहा कि क्या कोई चिकन का टुकड़ा भी है, यानी मुर्गी का टुकड़ा भी है, मुर्गी के मांस का टुकड़ा भी है। औरत कहे कि हाँ, बट लेकिन प्लीज हरी, सेड द मैन एंड स्टीर द सूप विद ए लॉन्ग स्पून, तो आदमी ने कहा कि जल्दी कीजिए, है ना, उसे जल्दी से लाइए, एंड स्टीर द सूप विद ए लॉन्ग स्पून, और बड़े चम्मच से उसको खूब मिलाया। द वुमन ब्राउट ए लेग ऑफ चिकन एंड पुट इट इन टू द पॉट, और उस औरत ने चिकन के एक लेग, यानी चिकन का एक लेग लाई और उसे उस पॉट में डाल दी, यानी उस बर्तन में डाल दी। देन सी पुट इन सम सॉल्ट एंड पेपर, तब उसमें कुछ सॉल्ट यानी नमक और मसाले मिलाई। मसाले यानी करने का मतलब उसको क्या कहते हैं, मिर्च पाउडर मिलाई। द मैन टेस्टेड द सूप एंड देयर वाज अ स्माइल ऑन हिज फेस, आदमी उस सूप को चखा और देयर वाज अ स्माइल, और तब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। ही पुट द सूप इन टू बाउल्स, उसने दो कटोरे में चटनी को रखा। लेटर सिट डाउन एंड ईट, ही सेड, उसने कहा कि आइए बैठिए और खाइए। द वुमन टुक आउट सम मोर स्लाइस ऑफ ब्रेड, उस औरत ने कुछ और ब्रेड के टुकड़े को निकाली। सी देन सैट डाउन विद द मैन, तब वह उस आदमी के साथ बैठ गई। एंड देन हैड सूप एंड ब्रेड, और तब वह सूप और ब्रेड भी खाई, यानी चटनी और के साथ साथ ब्रेड भी खाई। द स्टोन सूप इज वेरी नाइस, सेड द मैन, उस आदमी ने कहा कि स्टोन सूप बहुत ही अच्छा है, यू आर ए वेरी गुड कुक, आप एक बहुत अच्छे रसोई हैं। थैंक्स, सेड द वुमन साइली, औरत शर्माते हुए बोली धन्यवाद। द मैन वाज स्माइलिंग एट हर फुलिशनेस, आदमी उसकी मूर्खता पर हंस रहा था। ही वाज स्माइलिंग एट हर फुलिशनेस बिकॉज एवरीथिंग वाज इन हर हाउस बट शी वाज लेजी एंड डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ओके, हैव अ नाइस डे।